गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन वेलकम बैक दिस इज़ योर साइंस क्लास आई एम योर साइंस टीचर सो टुडे वी कंटिन्यू एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक हाउ एनिमल्स ईट पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने हरबी बोरस कार्नी बोरस ओमनी बोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा था तो चिल्ड्रन आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ एनिमल्स ईट हाउ हियर इज़ हाउ डिफरेंट एनिमल्स ईट देयर फूड एनिमल्स किस तरह से फूड खाते हैं उनकी क्या प्रोसेस होती है ओके okay. किस तरह से खाते हैं कहाँ से वो डाइजेस्ट करते हैं ये सारा आज हम आप इस वीडियो में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टीयर एंड च्यूर फूड फर्स्ट इज़ टीयर एंड च्यूर फूड हरबी वॉर सच एसकाउ गॉड्स एंड कैमल्स हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रॉन्टिड टू प्लग एंड बाइट द लीव्स ऑफ प्लांट्स these animals also have strong and flat back teeth that help them to chew the food properly. herbivorous category ke के जो hote होते हैं jis जिस तरह से जो प्लांट्स खाते हैं ग्रास खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं वो हर्बी बोरस होते हैं तो हर्बी बोरस एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे काउ गॉड्स और कैमल्स इनके जो टीथ होते हैं फूड को खाने के लिए जो फ्रंट टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं तीखे होते हैं फ्लैट चौड़े होते हैं और ब्रॉड होते हैं ओके सो so, ये क्यों होते हैं इनके टित्त का टाइप इस प्रकार होता है कि जब भी वे किसी पेड़ों से पत्तियाँ टहनियाँ वगैरह खाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए प्लक करने के लिए उसको बाइट करने के लिए चबाने के लिए प्लांट के लीव्स को इस तरह से उनके टित का शेप होता है शार्प होते हैं काफ़ी ज़्यादा ओके सो दीज एनिमल आल्सो है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बैक टित पीछे के जो इनके टित होते हैं वो फ्लैट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये क्या करते हैं उसको आसानी से फूड को प्रॉपरली चबाने में च्यू करने में हेल्प करते हैं तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा गॉट ईटिंग ग्रास देखिए ये भी एक हर्बी एनिमल एनिमल्स है तो यहाँ पर इसको फूड को चबाने के लिए सम हर्बी वोरस सच एस काउस एंड बफेलो स्वेलो ग्रास एंड अदर फूड दे ईटिंग विदाउट एंड अदर फूड दे ईट विदाउट चूविंग आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग बैक द फूड इन टू द माउथ एंड चू इट प्रॉपरली विद द बैक टीथ दिस इज़ नॉन एस च्यूविंग द कट कुछ हरबी बॉरस एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ और बफेलो ये क्या करते हैं पहले अपने फूड को निगल लेते हैं ग्रास को निगल लेते हैं जो भी ये फूड खाते हैं पहले उसको चबाते नहीं है एज इट इज़ उस पूरा होल फूड को वो निगल लेते हैं फिर कुछ समय बाद ये क्या करते हैं पुनः उसमें से अपने फूड को ब्रिक इन टू द फूड इन टू द माउथ पुनः अपने फूड को लाते हैं माउथ में एंड उसको फिर अच्छे से बैठ के उसे च्यू करते हैं या चबाते हैं अपने बैक टीथ के हेल्प से जो कि इनके बैक टीथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा है फ्लैट होते हैं और इस्ट्रॉग होते हैं तो इसलिए इस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं च्यूविंग द कट ये अधिकतर जो कैटल्स होते हैं उनमें यह प्रोसेस ज़्यादा पाई जाती है ओके सो so, देन ये हो गया हर्बी वोरस then, द कोआला कैन सर्वाइव ऑन अ डाइट टू यूक्यलिप्टस लीवस ये जो कोला मंकी है ये यूक्योलिप्टस जो एक लीव प्लांट होता है उसकी लीव्स को खाता है और ये जो प्लांट्स की लीव्स होती है काफ़ी ज़्यादा फाइबरस होती है मतलब रेशेदार होती है और इनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्सट्रीमली पॉइजस सो हाउ एवर कोआला हैज़ वेल एडेप्टेड डाइजेसिस्टम टू डाइजेस्ट दीज लीव्स ये काफ़ी पॉइजनस भी होती है पर इसके अंदर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है कि इसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है सो ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कार्निवोरस एनिमल्स में देखेंगे हम जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे सच एस टाइगर वॉल्स एंड लॉयंस, विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंटेड

टैन जो मांसाहारी होते हैं जो अदर्स एनिमल्स को खाते हैं उनका फ्लैश खाते हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प टीट होते हैं और कर्वड टीट होते हैं जैसे आपने लोयन के टीथ देखे होंगे आगे के लुक एट द पिक्चर दे हैव शार्प टीट तो काफ़ी ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं कर्ड टीट होते हैं ये टीथ इसीलिए इनमें पाए जाते हैं ताकि अगर वो किसी का शिकार करते हैं तो उसको चीरने और फाड़ने के लिए टीयर करने के लिए इनके जो मजबूत दांत होते हैं तिखे दांत होते हैं नाइफ़ की तरह वो उस मांस को उस एनिमल्स को आसानी से चीर फाड़ कर खा सके और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्ट्रॉन्ग मजबूत और ग्राइंडिंग पीसने वाले दांत होते हैं जो कि इनके माउथ के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं तो इसे ग्राइंडिंग टिक इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स की ताकि वह उसकी बोन्स को और उसके फ्लैश को अच्छे से चबा चबा कर खा सके उसमें हेल्प करते हैं सो सिंस दे ईट ऑल काइंड ऑफ फूड आपने एक कैटेगरी और पढ़ी थी ओमनी की उसमें आपने देखा था कि जो ओमनी होते हैं वो सभी तरह का फूड लेते हैं तो उसमें भी वेराइटी पाई जाती है क्या क्योंकि ओमनी के अंदर के टीथ में भी वेराइटी पाई जाती है ओके सो so, आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है जिसमें हमने हर्बी वोरस कार् वोरस और ओमनी वोरस के बारे में और उनके तिथ के बारे में पढ़ा ओके थैंक यू